बेरोजगारी के जहां तक लोग सवाल उठाते हैं, इससे ज्यादा बेरोजगारी उस समय थी जब इन लोगों की सत्ता थी, क्योंकि लूट खसोट मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा था 15 पैसा गांव तक पहुंचता था तो उद्यमों में लगता था, विकास में लगता था, लोगों को रोजगार मिलता था, केवल 15 पैसा लगता था। अब 100% पैसा जमीन पे आता है, भले वो प्राइवेट सेक्टर या सड़क बनाने में या हाईवे बनाने में, रेलवे बनाने में, इनमें सब में मजदूर लगे, इंजीनियर लगे, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां लगी हुई हैं इसमें हजारों इंजीनियर लगे हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के नाम पर ही सरकारी नौकर को माना जाए कि सरकारी नौकरी है। नौकरियां बहुत बड़ी हैं, उद्योग धंधे बहुत लगे हैं, और इतना बैंकों से कर्जा मिला कि लोगों ने उद्योग स्थापित किया है, तो रोजगारी की वृद्धि हुई, उसमें कहीं कमी नहीं हुई, पहले से ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि जो पैसा चोरों के पास जमा था वो बैंक में आ गया, पैसा योजनाओं में लग गया, और योजना में लगता है तो लोगों को काम मिलता है, योजना चलने का मतलब लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़े हैं। इस पर जो भी कह रहे हैं केवल देश को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं। बेरोजगारी इसके पहले भी इससे ज्यादा थी। आज हमारे बच्चे देखिए हम सब की बोतल और स्पाइट लिए घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कमा रहे हैं। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी सर्विस ही नहीं है, रोजगार का मतलब है कहीं से भी उनको उनके जीने लायक स्तरीय जीवन जीने के लिए उन्हें पैसा आवे, तो प्राइवेट सेक्टर को अधिक जाम मिले हैं। हमारी है वह बन रहा कि नहीं बन रहा, कितने इंजीनियर लगे हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा गाँव का, अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन हर आदमी को नहीं मिला था, इलेक्ट्रिफिकेशन में सबको जॉब मिला कि नहीं मिला। तो ये जो रोना रो रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या कहें, क्या लांछन लगाएं इसके ऊपर, मोदी के ऊपर, कि लोगों आक्रोशित हों। लेकिन युवा बहुत समझदार है, युवा ही इस परिवर्तन लाएगा, उसे मालूम है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर जो आधारभूत ढांचा योगी ने मजबूत किया है, इस पर एक बहुत बड़ी विशाल इमारत खड़ी होने वाली है, जो देश को रोजगार भी देगी, मजबूती भी देगी, और विश्व में स्थापित भी करेगी। अभी तो वो 5वीं शक्ति है, अब फ्रांस को पछाड़कर 4थी शक्ति बनेगी, और उसके बाद 3री शक्ति बनेगी। ये युवा आगे बढ़ेंगे, जब हमारे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो मैं यहाँ नहीं कंपटीशन बीट करूंगा, बाहर भी कंपटीशन बीट करूंगा, रोजगार के अवसर बाहर भी तलाशूंगा। जिस तरीके से घटिया स्तर बिहार से लेकर यहां तक मालूम हुआ परीक्षा की जो दुर्दशा सपा सरकार में हुआ था, कल्याण सिंह ने अच्छा किया था नकल विरोधी अध्यादेश लाकर, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा नहीं नहीं छुट्टा खूब गुंडाई करो, ठेकेदारी करो, नेतागिरी करो, हमारे साथ रहो, और उन्होंने बर्बाद कर दिया एजुकेशन के। मेरे बच्चे इस लायक नहीं कि कंपटीशन बीट कर सके, इंजीनियर बनाना बाप मां बाप की मजबूरी है, क्यों मेरा बच्चा क्या करेगा, इंजीनियर बने इसके अलावा कर क्या सकता है, लाखों रुपए फीस देता गरीब आदमी, माँ बाप समझता मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन वहां अच्छे अध्यापक नहीं, अच्छे टीचर नहीं, आधारभूत ढांचा नहीं, क्योंकि सब पैसा ले दे करके लोग इंजीनियर कॉलेज को मान्यता देते थे, जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने हैं सब में मान्यता पैसा ले लेकर दी गई है इसके पहले जमाने में, लिहाजा आधारभूत ढांचा मजबूत नहीं, इंजीनियर तो बन के निकले लेकिन मूंगफली का ठेला लगाते हुए शर्माते हैं, और अपना अपना रोजगार भी नहीं कर सकते और नौकरी मिलना नहीं, ये किया है पिछली सरकारों ने। अच्छा, जब से योगी जी आए नकल पर कितना लगाम लगाए? बहुत लगाम लगा, जितना संभव है, जितना अधाधुंध नकल चलती थी उस पर इतना लगाम लगा है कि 75% 80% तो कम से कम हम कह ही सकते हैं कि लगाम। धांधलीबाजी होती है, कितनी कम हुई है। वो कमीने लोग जो देश को 700 वर्ष तक गुलाम रखे आज भी हमारे देश के अंदर हैं, जिनकी बदौलत ही वो जो हमारा विस्फोट हुआ है, वो विस्फोट में वो गुलाम लोग ही ला करके दिए हैं विस्फोट, हमारे इंडियन वही लोग आज नकल पर्चा पेपर आर्ट करा कर या जिस तरीके से भी होता घपलेबाजी करते हैं, उनकी मानसिकता नहीं गई है, चूहे के बिल से निकाल करके उनको बाहर तो लाया जा रहा धीरे धीरे, आईबी और इंटेलिजेंस ये एसटीएफ सब पकड़ तो रही है, लेकिन इतना अधाधुंध दरबार था भ्रष्टाचार का जिसमें अभी भी पुराने घाक जमे हुए हैं, उनको खींच खींच कर गेंगटा जैसे नदी से लाया जाता है, हमारी एसटीएफ ला रही है, और एसटीएफ को फोर्स को बहुत बहादुरी के साथ एक अच्छे प्रधानमंत्री होने के नाते उनको स्वतंत्रता दी गई है कि तुम फ्री होकर काम करो, ये स्वतंत्रता पहले नहीं थी। हमारे यहाँ कभी किसी सरकार में सेना को सम्मान नहीं दिया गया है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जनता से डायरेक्ट पूछ कर काम करते हैं, पुलवामा हमले में जो हमारे यहाँ हुआ उस पर कई लोगों ने अपने मत दिखाए, लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या कहा, आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों ने कहा हमें बदला चाहिए, तो हमारे यहाँ 44 मारे गए और हमारे प्रधानमंत्री ने 400 को मरवाया वहाँ पे, जो कि 70 किलोमीटर अंदर तक घुस कर मारा है उनको। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री जो देश का शौर्य है,
लगातार खिलता जा रहा है कमल की भांति। अच्छा, तुम्हारे पास क्या मुद्दा अब की बार वोट देने? हमारे पास केवल दो लाइन है, उसमें सुना दे हम। अरे झूठ बोले कौआ काटे के काले कौवे से डरियो, और मोदी फिर से आएगा तुम देख के रहियो। मोदी फिर से आएगा देखते रहियो। राहुल आ जाए? नहीं, राहुल नहीं चेते आ जाए, मोदी आएगा। मोदी तो हम बढ़िया देता है, लैटरिन दिया है, तब तो दिया है, किसानों तो पैसा दिया है। मेरा नाम रिंकू सिंह है, मैं छोटे से गांव का एक नागरिक हूं, और हमारे अब तक जितनी भी सरकार आई हुई है आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं मेरे गांव में। एक खड़ंजा छोटा सा था, उसमें इतने कट थे पानी के कि आज तक कोई विकास हुआ ही नहीं। जब से सरकार आई हुई है, हमारे यहाँ माननीय श्री सतीश शर्मा जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अब की बार 75 लाख रुपए का योजना दिया है मेरे गांव के लिए, छोटे से गांव के लिए। छोटा सा गांव है, ग्राम सभा पहला, मैं रिंकू सिंह हूं, और आज पहली बार जिंदगी में पहली बार मेरे गांव का हर नागरिक संतुष्ट है बीजेपी से। आज तक जितनी भी सपा भी आई, कांग्रेस भी आई, जितनी भी सरकार आई हुई, आज तक हम लोगों के लिए रास्ता क्लियर नहीं हो पाया है, मगर अब की बार जो बीजेपी सरकार आई है इससे हम लोग संतुष्ट हुए कि कम से कम हम लोगों के लिए रास्ता, कॉलोनी बम्बा कुछ नहीं चाहिए, मगर कम से कम राह तो मेरी रास्ते की सही हो जाए कम से कम। इसलिए ये बताओ, जो ये सीट है एससी सीट है, ऐसा तो नहीं कि जो है यहाँ पर जो वोट है जाति के आधार पर डाली जाए? जी नहीं, इससे कोई हम लोगों कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हम लोग संतुष्ट हैं, हर वोटर अपने वोट का मालिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं, मोदी आएंगे इसमें कोई शक नहीं, 100% आएंगे। हम लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं और आगे भी आने वाले समय में, अभी 5 साल हुआ है भी, हम आगे और भी देखेंगे, काफ़ी सबको देखा है, इनको देखने में क्या दिक्कत है। गरीबों का स्टेट बढ़ा रहे हैं, गैस चूल्हा दिया, और भी कई योजनाएं दी हैं, लैटरिन दिया है। बताओ, हर महिला जाती थी, हर को जाती थी, अब कम से कम हर नागरिक के द्वारे लैटरिन बन चुकी है, संतुष्ट तो है नागरिक कम से कम। जो भी आता था बाहर जाना पड़ता था, अब कम से कम संतुष्ट है। इसलिए हम लोग मोदी जी से संतुष्ट हैं, और आगे आने वाले समय, 5 साल तो ये है ही, और अब मोदी जी इतना कर देंगे कि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी मोदी जी को। हम लोग संतुष्ट हैं, इसलिए जय भारत, जय श्री राम। आज आपकी सही तारे मोदी को देंगे। गठबंधन को क्यों नहीं देंगे? गठबंधन को कर नहीं रहा काम, मोदी जी ने काम किया है। ऐसा तो नहीं कि जो वोट है जाति धर्म के आधार पर डाला जाए? जाति धर्म के आधार पर कोई सवाल ही उठता है, मोदी जाति धर्म के ऊपर उठ के काम कर रहे हैं ना। तो ये तो लोग भड़कावे वाले हैं, जो गांव के लोग समझा बुझा देते हैं, पान पुड़िया मिल गया, शराब मिल गया, उसी में कह देते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी। खत्म, जातिवाद चला गया। अब लोग व्यक्ति को वोट दे रहे हैं ना, केवल मोदी के नाम, मोदी के नाम। अच्छा ये बताइए, वोट जो है मोदी को है या रावत जी को है? नहीं, मोदी के नाम पर राव जी को वोट देंगे ना भाई, मोदी सबका, किसी के नाम पर वोट नहीं है। मोदी प्रियंका सिंह जो है 5 साल सांसद रहे, किसी भी गांव में गई तक नहीं है, आज तक नहीं, कभी दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए उनका टिकट कट गया, तो अच्छी बात है कट गया। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो महाचोर आदमी नहीं, जाओ जो ना बात, 70 साल में कहा की 70 साल में, 5 साल कितना करके, कम से कम 4 साल के अंदर 5 साल रहे मोदी। आप जनता सुकून तो है, कम से कम हर जगह व्यवस्था हुई, रहने की व्यवस्था हो गई आदमी का। कांग्रेस कह रहे हैं किसानों की जो हालत है पिछले 5 साल में खराब है, 70 साल में जो, अरे कांग्रेस के कहने से थोड़ा सा किसान अपनी हालत स्वयं पहचानता है। आज कांग्रेस हल्ला मचा रही, कांग्रेस ने कुछ किया किसानों के लिए? नाकलेस के इससे पहले कुछ कही पाए, माया कही पाए, अब 4-5 साल के अंदर मोदी तो कम से कम घर घर पहुंचाए, तो कोई वो इलाक है कांग्रेस के ऊपर ऊपर हवा में करती थी। मोदी जो जब काम करते हैं वो जमीन पर करते हैं। अभी देखिए, उन्होंने कहा कि सम्मान निधि का जो था वो देखिए सबके खाते में तुरंत पैसा आ गया, 6,000 रुपए पैसे आ गया, और जो कांग्रेस बोलती थी तो हवा हवाई केवल फायर करती थी, बस होता कुछ नहीं था जनता के साथ में। मोदी जी ने गैस सिलेंडर कहा, घर में हर घर में आज की डेट में हर माताओं के पास गैस सिलेंडर है, और वो जो बोलते थे वो सब बाहरी ऊपर ऊपर हवा में जाता था, बस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस क्षेत्र में कितना काम हुआ? इस क्षेत्र में आज की डेट में देख लीजिए आप, जाके जब से योगी जी बने हुए हैं, और देख लीजिए किसी भी रोड पे चले जाइए आप, बिल्कुल से निकल जाइए, कहीं पर एक गिलास का पानी आप गाड़ी में रख लोगे, सीधे सीधे चले जाएगा, कहीं गिरने वाला नहीं है। और उसके बाद में, और अखिलेश की सरकार थी, आप खाना खा के बैठो और जाओ तो पेट खराब हो जाता, गली में लैटरिन लग जाती थी। जय श्री राम, जय
जो गुंडागर्दी है वो बढ़िया है घटी है? हाँ हाँ, गुंडागर्दी सारी सारी समाप्त हो गई है 90%, 100%। और उनके सरकार में मायावती जी गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी दोनों लोग साथ बैठते हैं तो इससे आपको क्या लगता है कि गुंडागर्दी बढ़ी है कि गुंडागर्दी घटी है? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है। विकास जो योगी जी के सरकार में हुआ है वो किसी के सरकार में नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं जो मायावती और अखिलेश साहब की बार मिलकर भाजपा का सूपड़ा साफ कर दे? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आपको लगता है, मीडिया को लगता है, उनको लोगों को लगता होगा, लेकिन मोदी योगी को कोई हटा नहीं सकता है और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ही बनेंगे और कोई प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मायावती प्रधानमंत्री के लिए लायक, उनकी सब ये हवाई बातें हैं, सब अपना अपना ले जाके समर्थन किसी को दे देंगे और सन्नाटा थी शून्य बता सन्नाटा रहेंगे, प्रधानमंत्री तो अलग की बात है। प्रधानमंत्री तो हमारा मोदी जी ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। क्या कारण है मोदी जी को वोट देने का? मोदी जी ने जितना विकास किया है और जात पात को छोड़ करके विकास किया है और उन्होंने ना कोई जात देखी ना पात देखी, हर किसी को हर चीज पहुंचाने के लिए कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ी जो लोगों को नहीं मिली हो। हर वर्ग के लोगों जैसा वादा किया था सबका साथ सबका विकास, विकास हो रहा है, हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जो है विकास नहीं हो रहा। गैस सिलेंडर लीजिए, बिजली ले लीजिए, बिजली बराबर मिल रही है, रोडे ले लीजिए, आवास ले लीजिए, कोई भी चीज मतलब अभी आवास बने हैं मोदी सरकार में, किसी भी सरकार में इतने आवास नहीं बने हैं जितना मोदी सरकार में आवास बने हैं। जितनी बिजली आ रही किसी मिले या नहीं मिले, मोदी सरकार लाना है, हमको देश सुरक्षित रखना है, हमें आवास की भी जरूरत नहीं, लेटरिन की भी जरूरत नहीं, लेकिन मोदी सरकार को लाना।